हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, होप आपने पहले वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। कैपिटल गेन में सीए इंटर और सीएस एग्जीक्यूटिव की टैक्स की क्लास चल रही है। ये हमने लास्ट कॉन्सेप्ट क्या किया था बेटा, हमने लास्ट कॉन्सेप्ट किया था कि अगर हमने कोई भी एसेट्स 1/4/2001 से पहले, 1 अप्रैल 2001 से पहले हमने कोई एसेट्स को परचेज किया है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा। ऐसी कंडीशन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपके पास में ये ऑप्शन है कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले सकते हैं या फिर उसकी जगह पे फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ 1 अप्रैल 2001 जो आप उसका फेयर मार्केट वैल्यू वो ले सकते हैं। तो विच एवर इज हायर वो हमको लेना है भाई। और उसके बाद में क्या था आपका, इफ यू रिमेंबर, उसके बाद में ये था कि हमारा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 1 अप्रैल 2001 से पहले किया गया कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वो क्या होगा, निल बट्टा निल, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। आइए अब हम ये बात करें। एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको दिया था, मिस्टर जे परचेज लैंड ऑन 1/4/1995 को लैंड परचेज किया था, एक कंस्ट्रक्शन फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया इन्होंने कब, 1/1/1999। यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों कॉस्ट 1 अप्रैल 2001 से पहले है। 1 अप्रैल को उसका फेयर मार्केट वैल्यू कितना था, 4 लाख 11,000। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया आपके पास में, अगर आप समझे मेरी बात को, अगर आप सपोज इससे पहले आपने कितना कॉस्ट इनकर किया था, 75,000 and 2 lakh, ये कितना होता, 2,75,000। अच्छा, उसके बाद में इनका फेयर मार्केट वैल्यू कितना है बेटा, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 कितना है, 4,11,000। विच एवर इज हायर, क्या लेंगे, 2,75 या 4,11, क्या लेंगे बेटा, 4,11,000। ही कंस्ट्रक्टेड एडिशनल फ्लोर इसने, ये तो 2001 के बाद में ही है, इतना किया है और 15/3 को ये हाउस सेल आउट कर दिया 95 लाख में। तो सबसे पहले ये कैपिटल एसेट्स कैसी है साहब। हाँ जी, तो कैपिटल एसेट्स कैसी है, ये शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म है। कैसी एसेट्स है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है, होप यू रिमेंबर। अच्छा, उसके बाद में क्या करना पड़ेगा आपको, अगर मैं देखूँ पर्टिकुलर कैलकुलेशन इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज, अगर हम यहाँ पे बात करें पर्टिकुलर, सबसे पहले क्या है मेरा सेल कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन कितना बेटा, 95 लाख, कितना है 95 लाख। लेस सेलिंग एक्सपेंसेस कुछ है क्या आपके पास में, ना साहब कुछ भी नहीं है। तो यही आपका कैसा एक्सपेंसेस होगा, नेट सेल कंसिडरेशन, जो आपका नेट सेल प्रोसीड होगा। अच्छा, अब इसमें से आपको क्या लेस करना पड़ेगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा, आप यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे या फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पे क्या लेंगे बेटा, फेयर मार्केट वैल्यू, क्या लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू। तो देखिए ये है आपका फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 कितना है, 4/11/2004, उसके बाद में अपॉन 100 × 289, इट कम्स 11,87,790। और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, अच्छा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दो है, बताइए 1/4/2001 से पहले का कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कुछ काम आएगा क्या, नहीं साहब, वो कुछ भी काम नहीं आएगा। तो उसके बाद वाला ही लेंगे, बिफोर 1/4/2001 वाला तो क्या है, निल है साहब, इग्नोर करेंगे, वेरी गुड। उसके बाद वाला क्या होगा, उसके बाद वाला क्या करेंगे अपन देखिएगा। तो हमको कौन से ईयर में आपने इंप्रूवमेंट किया बच्चा, कौन से ईयर में आपने इंप्रूवमेंट किया, आपने इंप्रूवमेंट किया है 15/7/2008। तो 15/7/2008 इसका मतलब क्या होता है, 15/7/2008 कौन से फाइनेंशियल ईयर में आता है, 8/9 में आता है, कौन से फाइनेंशियल ईयर में आता है, 8/9 में आता है। और 8/9 का जो इंडेक्सेशन है आपका, 8/9 का इंडेक्सेशन देखिए कितना है, 137, 8/9 का इंडेक्सेशन कितना है बेटा, 137। तो 11 लाख डिवाइडेड बाय 137 मल्टीप्लाइड बाय 289 एंड इट कम्स 23,20,438। होप यू अंडरस्टूड। तो ये आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आया, ये आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आया और ये आपका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आया। तो इस तरह आपका नेट आपका क्या हो जाएगा, दिस इज योर कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दिस इज योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। होप यू अंडरस्टूड, समझ में आया। ये वह होमवर्क था जो होमवर्क मैंने आपको पिछली क्लास का दिया था। अच्छा बेटा, आज की क्लास में हम एक नया कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, एक स्पेशल केस लेके आ रहा हूं मैं आपके सामने, और वो स्पेशल केस है ये रहा। देखिए
समझते हैं, सपोज कीजिएगा मिस्टर ए है, ये केस क्या है अभी हम समझेंगे। मिस्टर ए ने एक परचेज किया था हाउस, मिस्टर ए ने ये दिख रहा होगा आपको, मिस्टर ए ने आप एक हाउस परचेज किया था, कितने में परचेज किया था, 20 लाख रुपीज़ में परचेज किया था। कितने में परचेज किया बेटा, 25 लाख रुपीज़ में परचेज किया, 20 में नहीं, 25 लाख में परचेज किया। अच्छा, कब परचेज किया, एज ऑन 1 अक्टूबर 2017 को मिस्टर ए ने एक हाउस परचेज किया। अच्छा बेटा, उसके बाद में क्या किया, मिस्टर ए ने 12 महीने तक वो हाउस अपने पास में रखा, फिर उसने क्या किया, गिफ्ट कर दिया। गिफ्ट किसको कर दिया, बी को कर दिया। ये बी कौन है, बी कौन है, जो भी बी है यार, बी को गिफ्ट कर दिया। हाँ जी, पूरा पूरा 25 लाख रुपए का घर गिफ्ट कर दिया है। तो क्या हो गया, कर दिया, उसकी इच्छा है यार, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं। हाँ जी, तो मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर बी को गिफ्ट कर दिया, और कितने लाख रुपए का, 25 लाख रुपए का घर गिफ्ट कर दिया। वाह जी वाह, आप मुझे एक चीज बताएं, जब ए किसी को गिफ्ट कर रहा है तो ये गिफ्ट ट्रांसफर में आएगा या नहीं आएगा, याद करो सेक्शन 47, those transactions which have been excluded from the transfer, उसमें कौन सा पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 क्या था, पार्टीशन ऑफ HUF, और पॉइंट नंबर 2 का क्या था आपका, गिफ्ट विल इरेवोकेबल ट्रांसफर इनहेरिटेंस, याद है ना। तो ये बेटा ट्रांसफर में नहीं आएगा, अगर सपोज कीजिएगा ये ट्रांजेक्शन ट्रांसफर में नहीं आता है, यह ट्रांसफर में नहीं है, तो इसका मतलब जब ए के यहां से प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है बी को, तो इस समय कोई भी कैपिटल गेन भी कंप्यूट नहीं किया होगा हमने, सही बात है ना, कोई भी कैपिटल गेन हमने कंप्यूट नहीं किया होगा। चलिए साहब मान, चलिए तो मुझे बताइए, ए ने गिफ्ट देने से पहले, ए ने गिफ्ट दिया है 1/10/2018 को, कब दिया बेटा, 1/10/2018 को, यानी ए ने अपने पास में होल्ड कितना किया, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ए का होल्डिंग पीरियड, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ए का होल्डिंग पीरियड, तो ए का होल्डिंग पीरियड कितना था साहब, हाँ जी बताइए, ए का अगर मैं बात करता हूँ होल्डिंग पीरियड कितना है साहब, 12 मंथ, कितना है बाबू, 12 मंथ, होप यू अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है ये चीज आपको। अच्छा साहब, ए का होल्डिंग पीरियड 12 मंथ, समझ में आ गया आपको। चलिए अब मुझे एक चीज बताइए, उसके बाद में क्या किया, अब बी के पास में वो घर आ गया, अब बी के पास में वो घर कब आया, 1/10/2018 को बी के पास में घर आया, बी ने वह घर सेल कर दिया, नाउ बी ने वह घर सेल किया है, बी घर सेल कर रहा है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बी घर क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, बी इज सेलिंग द हाउस टू सी, इट मीन्स क्या है, यह बी सेल कर रहा है, तो बताओ सेल जो है, सेल किस में आता है, यस यह ट्रांसफर माना जाएगा, और कौन ट्रांसफर कर रहा है भाई, बी ट्रांसफर कर रहा है, किसको ट्रांसफर कर रहा है, सी को ट्रांसफर कर रहा है, ओके। तो ये ऐसी कंडीशन है कि बी के पास में यह प्रॉपर्टी आई है एज ए गिफ्ट फ्रॉम ए, और ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो आपका गिफ्ट से आता है या विल से आता है या इरिवोकेबल ट्रांसफर से आता है या सपोज इनहेरिटेंस से आता है या सपोज आपका पार्टीशन ऑफ HUF से आता है, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 ऑफ सेक्शन 47 का, समझ में आ रही है बात, अगर उस तरफ से आता है तो उसको यदि हम ट्रांसफर करते हैं, उसको आगे ट्रांसफर करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में कंप्यूटेशन कैसे किया जाएगा। अब बताइए किसने सेल किया, बी ने सेल किया, किसको सेल किया, सी को सेल किया, तो यहां पे एसएससी कौन है, बी, एसएससी कौन है, बी, ट्रांसफरर कौन है, बी, कंसिडरेशन किसको मिल रहा है, बी को मिल रहा है, कंसिडरेशन किसको मिल रहा है, बी को मिल रहा है। तो अब यहां पे बी ने उसको अपने पास में कितने टाइम तक होल्ड किया, मुझे एक चीज बताओ बी का होल्डिंग पीरियड कितना है साहब, अगर मैं यहां पे बात करता हूं बी का होल्डिंग पीरियड, अगर मैं यहां पे बात करूं बाबू बी का होल्डिंग पीरियड, किसका होल्डिंग पीरियड बात करता हूं मैं, बी के होल्डिंग पीरियड की बात करता हूं, बी होल्डिंग पीरियड,
बी होल्डिंग पीरियड कितना है भैया, बी ने कब ट्रांसफर किया है, देखिए बी ने ट्रांसफर किया 31/12/2019, बी को मिला कब था ये प्रॉपर्टी 1/10/2018 को, और बी ने ट्रांसफर कब किया 31/12/2019 को बी ने ट्रांसफर किया। तो जब 31/12/2020 बी को बी ने ट्रांसफर किया है तो कितना महीना हो गया, ये हो गया एक तरह से 10, 11, 12, हाँ जी कुल मिला के 15 मंथ, कुल मिला के कितना हो गया ये 15 मंथ। बी ने उस एसेट को अपने पास में 15 महीने होल्ड किया, बी ने उस एसेट को अपने पास में 15 महीने होल्ड किया और उसके बाद में उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद में उसने ट्रांसफर कर दिया है किसको, सी को ट्रांसफर कर दिया है और सी को सेल कर दिया है, और सी को क्या कर दिया बेटा, सेल कर दिया है, और ये सेल किस में आता है, ट्रांसफर में आता है। समझ में आ रहा है, क्लियर है? अच्छा तो अब मुझे एक चीज बताइए, तो जब भी हम ट्रांसफर, अब हमको जो कैपिटल गेन निकालना होगा, हमको बेटा जो कैपिटल गेन निकालना होगा वो कैपिटल गेन किसके, इन द हैंड्स ऑफ, इन द हैंड्स ऑफ किसके हैंड्स में निकालना पड़ेगा, इन द हैंड्स ऑफ बी, इन द हैंड्स ऑफ बी निकालना पड़ेगा। और सीधी सी बात है यार, एक चीज बताओ, ए ने गिफ्ट किया था बी को, ए ने गिफ्ट किया था बी को, तो क्या ए को कुछ पैसा मिला था क्या, नहीं मिला था, तो क्या उसको टैक्स देना चाहिए क्या, नहीं। अब बी सेल कर रहा है तो बी को पैसा मिला है तो बी टैक्स देगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अब आराम से समझते हैं सेल कर, समझिए समझिएगा। सबसे पहले हम ये देखें कि यह एसेट्स लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, और लॉन्ग टर्म होल्डिंग पीरियड से देखा जाता है। एसएससी का अगर मैं बी का होल्डिंग पीरियड की बात करता हूँ, बी के होल्डिंग पीरियड की बात करता हूँ, यानी एसएससी के होल्डिंग पीरियड की बात करता हूँ, तो एसएससी का जो होल्डिंग पीरियड है वो कितना है, वो होल्डिंग पीरियड कितना है आपका 12 मंथ, वो होल्डिंग पीरियड कितना है बेटा 12 मंथ। अगर मैं बी के होल्डिंग पीरियड की बात करता हूं तो इट इज 12 मंथ। समझ में आ रहा है बात? तो यहां पे एसएससी का होल्डिंग पीरियड, अब देखिएगा यहां पे अगर मैं बात कहूं एसएससी का होल्डिंग पीरियड, एसएससी का होल्डिंग पीरियड कितना है 12 मंथ, लेकिन अब यहां पे टैक्स में क्या बोला गया, अगर समझिएगा, अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपकी गिफ्ट विल इरिवोकेबल ट्रांसफर या आपका किसमें है इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है या एचयूएफ के पार्टीशन की वजह से आपको कोई प्रॉपर्टी मिली है और उस प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जब आप होल्डिंग पीरियड काउंट करोगे तो होल्डिंग पीरियड जो एग्जिस्टिंग एसएससी है, जो एग्जिस्टिंग ओनर है, उसका होल्डिंग पीरियड तो काउंट होगा ही होगा, साथ में इस एसेट्स का जो प्रीवियस ओनर था, इस एसेट्स का जो प्रीवियस ओनर था, उस प्रीवियस ओनर के होल्डिंग पीरियड को भी साथ में काउंट किया जाएगा, उस प्रीवियस ओनर के होल्डिंग पीरियड को भी साथ में काउंट किया जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर? अरे सही बात कर रहा हूं बेटा। अब अगर आपको पता हो, अब अगर आपको पता हो तो मैंने आपको एक पॉइंट बोला था, मैंने आपको ये बोला था कि कहीं कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रीवियस ओनर, डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रीवियस ओनर, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। आई थिंक अब आपको पता चला होगा इसका ध्यान क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रीवियस ओनर से ही, डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रीवियस ओनर से ही प्रीवियस ओनर का क्या निकलेगा, होल्डिंग पीरियड निकलेगा, प्रीवियस ओनर का क्या निकलेगा, होल्डिंग पीरियड निकलेगा। समझ में आ रहा है? तो इसको दो तरह से आप कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को देख सकते हैं आप दो तरह से, या तो अब क्या कीजिए, अब यहां पे क्या होगा, बी का होल्डिंग पीरियड तो कितना है 12 मंथ, और अगर मैं बात कहता हूं ए का होल्डिंग पीरियड, अगर मैं क्या बात कहता हूं ए का होल्डिंग पीरियड, तो ए का होल्डिंग पीरियड कितना है बेटा, दिस इज ए का होल्डिंग पीरियड 12 मंथ, ए का होल्डिंग पीरियड कितना है 12 मंथ। तो अब आप मुझे एक चीज बताओ, तो टोटल होल्डिंग पीरियड कितना हो गया आपका, दिस इज योर टोटल होल्डिंग पीरियड इज 27 मंथ, टोटल होल्डिंग पीरियड इज 27 मंथ। तो या तो आप क्या कर सकते हो, दोनों का होल्डिंग पीरियड अलग से निकाल लिया और आपने फिर उन दोनों के होल्डिंग पीरियड को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो उसका इफेक्टिव होल्डिंग पीरियड टू कैलकुलेट द एसेट्स इज ए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वो आ गया। समझ में आ गया? या फिर क्या कर सकते हो, कहां से कहां तक का डायरेक्ट निकाल सकते हो आप पीरियड, यहां पे डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रीवियस ओनर, डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रीवियस ओनर टू डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग ओनर। समझ में आ रही है बात? दोनों तरह से आप निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है आपका, इसमें दूसरा तरीका क्या है आपका, और करके क्या निकाल सकते हो, कहां से कहां तक, हाँ जी
डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रीवियस ओनर, डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रीवियस ओनर, ये आपका हो गया। वहां से लेके टू डेट ऑफ ट्रांसफर, डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग ओनर, ऑफ एग्जिस्टिंग ओनर, ये आपका टोटल होल्डिंग पीरियड आ जाएगा। यह टोटल होल्डिंग पीरियड आ जाएगा तो आपका 27 मंथ यहां पे आ जाएगा। समझ में आ गया? तो कुल मिला के ये बात है बेटा, कुल मिला के ये बात है कि यहाँ पे होल्डिंग पीरियड में, होल्डिंग पीरियड में प्रीवियस ओनर के होल्डिंग पीरियड को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा कि ये एसेट्स क्या है, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। समझ में आ रही है बात? अच्छा साहब, अब आपने क्या किया यहां पे समझिएगा। हाँ जी, यहां पे अगर मैं बात कहता हूं तो यहां पे क्या किया आपने, यहां पे देखिएगा 27 मंथ है, कितना मंथ है यहां पे, 27 मंथ है। अच्छा, कौन सी एसेट है ये? एसेट से आपकी हाउस, एसेट से आपकी हाउस। हाउस कौन से ब्लॉक में आता है? 24 मंथ वाले ब्लॉक में आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे ये हाउस। अब यहां पे देखो, अगर हम सिर्फ बी का होल्डिंग पीरियड लेते हैं तो 15 महीने 24 महीने से कम है, सिर्फ ए का लेते हैं तो भी क्या है, 12 महीने 24 महीने से कम है। अगर इंडिविजुअली देखें तो वो क्या है, वह है शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। लेकिन दोनों का मिला के देखते हैं तो 24 महीने से ज्यादा है, दोनों का मिला के देखें तो क्या है, 24 महीने से ज्यादा है। तो अगर दोनों का मिला के देखें 24 महीने से ज्यादा है तो बेटा क्या माना जाएगा, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। क्या माना जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। होप यू अंडरस्टूड, समझ में आया चीज। चलिए इसके बारे में कुछ और थ्योरी पढ़ते हैं, किस तरह से क्या कैलकुलेशंस होता है और किस तरह से हम क्या बातें करेंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट, ये सेक्शन 49(1) की बात करता है, सेक्शन 49(1) की बात करता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ओनर, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ओनर। अब ये कहां कहां पे करेगा तो देखिएगा, वेयर कैपिटल एसेट्स इज एक्वायर्ड बाय द एसएससी बाय वे ऑफ, कौन सा एसएससी, यहां पे एसएससी कौन, एसएससी का मतलब बी, एसएससी का मतलब कौन हो गया, बी। समझ में आ रहा है बात, एसएससी का मतलब बी। तो वेयर कैपिटल एसेट्स इज एक्वायर्ड बाय द एसएससी बाय वे ऑफ, बाय वे ऑफ गिफ्ट और विल, या बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस और सक्सेशन, या बाय वे ऑफ पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, या बाय वे ऑफ, एक इसमें इररिवोकेबल वो भी लिख सकते हैं, ट्रांसफर इररिवोकेबल विल भी लिख सकते हैं आप। समझ में आ रहा है ये आपको कि अगर आपने इस तरह से प्रॉपर्टी एक्वायर किया है तो क्या होगा आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग टू डिटरमाइन इफ कैपिटल एसेट्स इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो क्या करना पड़ेगा, द पीरियड फॉर विच, द पीरियड फॉर विच, आराम से समझें, द पीरियड फॉर विच द प्रीवियस ओनर ऑफ एसेट्स हेल्ड द एसेट्स एंड द पीरियड फॉर विच द करंट ओनर ऑफ एसेट्स हेल्ड द एसेट्स शैल बी एग्रीगेटेड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द पीरियड ऑफ होल्डिंग टू डिटरमाइन वेदर एन एसेट्स इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। यानी दोनों के होल्डिंग पीरियड को एड कर दिया जाएगा। होप यू अंडरस्टूड। सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी इसमें, आप बताइए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी सर? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट शैल बी डीम्ड टू बी द कॉस्ट फॉर विच द प्रीवियस ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड। समझ में आ रही बात, प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा। अच्छा, अगर ये एसेट्स आपका प्रीवियस ओनर के द्वारा, यह एसेट्स प्रीवियस ओनर के द्वारा, यह एसेट्स क्या किया गया, 1/4/2001 से पहले किया गया, 1/4/2001 से पहले एक्वायर किया गया, तो आप क्या क्या कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं बेटा इसमें आपके पास में ऑप्शंस था, इफ यू रिमेंबर आपके पास में ऑप्शंस था, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनकर्ड बाय द प्रीवियस ओनर और फेयर मार्केट वैल्यू, और फेयर मार्केट वैल्यू, और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1st April 2001। यहां पे मैं अपने मन से लिख देता हूं विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। समझ में आ रहा है चीज, ये आप ले सकते हो। ओके, होप यू अंडरस्टूड। अच्छा, अब इसमें ये तो आपको समझ में आ गया, अब अगर मैं बात कहूं यहां पे, ये चीज समझ में आ जाती है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या करेंगे साहब, अगर इफ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनकर्ड बिफोर 1/4/2001 तब तो उसको इग्नोर कर देंगे। समझ में आ रहा है? और यदि उसका क्या हुआ, इफ अगर उसके बाद में आपने क्या किया है, बट इंप्रूवमेंट डन किया है आपने, कितना किया है, आफ्टर 1/4/2001, तो उसको एज गुड एज जो हमारा इंडेक्सेशन है वैसे होगा। समझ में आ गया? वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट चाहे प्रीवियस ओनर ने किया है चाहे करंट ओनर ने किया है, दोनों की कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को कंसिडर किया जाएगा। समझ में आ रहा है?
अच्छा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कौन सा लिया जाएगा हो, अब आप बताइए। वेल कैलकुलेशन द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन द इंडेक्सेशन फैक्टर विल बी टेकन इन विच एसेट्स वॉज एक्वायर्ड बाय द प्रीवियस ओनर, एसेट्स वॉज एक्वायर्ड बाय द प्रीवियस ओनर, एसेट्स वॉज एक्वायर्ड बाय द प्रीवियस ओनर और द इंडेक्सेशन फैक्टर फॉर द फाइनेंशियल ईयर, यहां पे आ जाएगा 2012 कर देंगे हम, यहां पे 2012 कर देंगे, विच एवर इज लेटर। तो कुल मिला के क्या है यहां पे, अगर मैं बात कहता हूं यहां पे आपने क्या किया, यहां पे आपने जो कॉस्ट ली है, वह कॉस्ट भी कौन सी ली है आपने, यहाँ पे प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ली, कौन सी कॉस्ट ली बेटा आपने, प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ली है, तो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ली है तो उसको कैपिटल इंडेक्सेशन का बेनिफिट देने के लिए इंडेक्सेशन भी कौन से ईयर का लेंगे, इंडेक्सेशन भी लेंगे हम कौन से ईयर का, ये प्रीवियस ओनर का, यानी ईयर ऑफ एक्विजिशन का। होप यू रिमेम्बर। तो अब अगर मुझे यहाँ पे समझिएगा, मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन करना हो तो मेरा सेल कंसिडरेशन कितना है, ये कैलकुलेशन किसके बुक्स में होगा, ए की बी की बुक्स में होगा, किसकी बुक्स में होगा, बी की बुक्स में होगा, इन द हैंड्स ऑफ बी। तो आइए सेल कंसिडरेशन, मेरा सेल कंसिडरेशन कितना है बेटा, सेल कंसिडरेशन है मेरा दैट इज वो कितना आपका 80 लाख, कितना है बाबू ये यहाँ पे 80 लाख, माई सेल कंसिडरेशन इज 80 लाख। अच्छा लेस करते हैं यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करें क्योंकि प्रीवियस ओनर है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अब यहां पे देखें तो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट लेनी है, तो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट कितनी थी, कितने में परचेस किया था उसने, 25 लाख में, कितने में परचेस किया था 25 लाख में, डिवाइडेड बाय, अगर मैं बात कहता हूं डिवाइडेड बाय यहां पे अगर देखें तो कौन से ईयर का होगा भैया, यहां पे मुझे बताओ ये कौन से ईयर में इन्होंने एसेट्स एक्वायर करी थी, 1/10/2017। तो इसका मतलब ये कौन से ईयर में आता है, फाइनेंशियल ईयर 17-18 में आता है, तो फाइनेंशियल ईयर 17-18 का हम देखें कितना वैल्यू है, इंडेक्सेशन वैल्यू कितना आपका 272, कितना है बेटा 272। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इसका इंडेक्सेशन वैल्यू कितना आएगा 272, इसका इंडेक्सेशन वैल्यू कितना है 272, समझ में आ रहा है। अच्छा तो अभी करंट ईयर का इंडेक्सेशन वैल्यू कितना है आपका, दैट इज 289, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मैं लिखूँ अगर यहाँ पे तो दैट इज 25 लाख डिवाइडेड बाय उस ईयर का कितना था आपका 272, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 272 मल्टीप्लाइड बाय करंट ईयर का इंडेक्सेशन कितना है बेटा 289, कितना इंडेक्सेशन है 289, तो ये 289 यहाँ पे आ जाएगा और इस तरह से हम यहाँ पे इसको देख लेंगे और ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 26.5625। ये आपका क्या आ गया, ये आपका वैल्यू आ गया है, इंडेक्स वैल्यू आ गया है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंप्रूवमेंट कुछ है नहीं इसमें, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को मैंने इसमें से लेस कर दिया, तो लेस करते ही मेरे पास में यह मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। कॉन्सेप्ट क्या है, सेक्शन 49(1) क्या कहता है, सेक्शन 49(1) मेरा ये कहता है कि अगर मेरे पास में मैंने कोई भी एसेट एक्वायर की है, ये चार्ट आपको बनाना है, अगर मैंने कोई भी एसेट एक्वायर की है बाय वे ऑफ गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस और सक्सेशन और पार्टीशन ऑफ HUF, तो ऐसे और उस एसेट्स को मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, तो ऐसी कंडीशन में जब मैं उस एसेट्स को ट्रांसफर कर रहा हूं तो मेरा होल्डिंग पीरियड तो काउंट होगा ही, साथ ही साथ में प्रीवियस ओनर का होल्डिंग पीरियड भी काउंट होगा। अच्छा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मेरे को तो कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लगी ही नहीं, वो तो फ्री में आया मेरे पास में, गिफ्ट में आया, तो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ली जाएगी, तो कौन सी कॉस्ट ली जाएगी बेटा, प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ली जाएगी, समझ में आ रही है ये बात, प्रीवियस ईयर की कॉस्ट ली जाएगी और उसका कैपिटल इंडेक्सेशन, उसका इंडेक्सेशन करने, अच्छा इसमें एक और चीज ध्यान रखें, अगर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कौन सी ली जाएगी, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट प्रीवियस ओनर की भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट काम आएगी और करंट ईयर की भी, करंट प्रीवियस ओनर की भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट काम आएगी और करंट ओनर की भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट काम आएगी। यहां पे अगर मैं बात करूं प्रीवियस ओनर ने अपना इंप्रूवमेंट कॉस्ट,
प्रीवियस ओनर ने अपना इंप्रूवमेंट कॉस्ट यदि 1 अप्रैल 2001 से पहले किया है तो उसको क्या करेंगे, हम इग्नोर करेंगे। और इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो होगा बच्चा, इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट होगा वह बेनिफिट दिया जाएगा, लेकिन वह बेनिफिट इंडेक्सेशन कौन सी ईयर का लेंगे, इंडेक्स वैल्यू कौन सी ईयर का लेंगे, इन द ईयर ऑफ प्रीवियस ईयर का एक्विजिशन, प्रीवियस ओनर का एक्विजिशन, ईयर ऑफ प्रीवियस ओनर एक्विजिशन वहां का क्या लिया जाएगा, आपका इंडेक्स वैल्यू लिया जाएगा, और इस तरह से इंडेक्सेशन किया जाएगा। होप यू अंडरस्टूड, आपको समझ में आया होगा, क्लियर बच्चा। तो अब इसके बेसिस पे आपको ये मैं एक होमवर्क देता हूं, ये होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको होमवर्क देता हूं बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 10 करें आप, जितना समझ में आए, जैसा समझ में आया वो करें, और उसके बाद में मैं अगला कॉन्सेप्ट लूंगा आपका, वो ये अगला कॉन्सेप्ट हम आपको लेंगे, और क्वेश्चन नंबर 10 आप एक बार करें। ओके चलिए, थैंक यू।